अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम बासित, मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ। मैं अपनी सारी जो जर्नी है जो प्रोसेस है वो उसको वीडियो की सूरत में मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई नया इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पिंग गाइड हो सके। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी क्योंकि आज की वीडियो जो इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने एयरपॉड्स 2 ऑर्डर किए थे तो वहाँ दो ऑप्शन थी उनके वेबसाइट पर कि या तो आप डिलीवरी करवा लें या आप उसको स्टोर में आकर पिक कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि मैंने आपको ये पालो आल्टो का एरिया दिखाना था, ये नई सिटी है, तो मैंने सेंटा क्लारा की जगह मैंने पालो आल्टो सेलेक्ट की ताकि जब मैं इधर पिक करें तो आपको वो वीडियो भी दिखा सकूँ, पालो आल्टो का एरिया दिखा दूँ। और साथ में अगर कोई बंदा यूएसए में नया इमिग्रेंट आता है उसको है कि यार मैंने एप्पल स्टोर से कुछ भी खरीदना है तो वो प्रोसेस किया है। साथ में मैंने कहा कि आपको ये एरिया भी दिखाता हूँ क्योंकि मैंने जो स्टोर की लोकेशन पे की है वो सेंटा क्लारा ने की, मैंने की पालो आल्टो। पालो आल्टो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में एक सिटी है। इसमें कुछ खासियत ये है कि फेमस जो उनसे आपने कई बार सुना होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पालो आल्टो को के साथ अटैच है। तो बेसिकली अगर मैं दो स्ट्रीट छोड़ जाता हूँ तो पीछे पूरी जो है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो इंशाल्लाह उसके आने वाले उसमें एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा कैंपस एक्सप्लोर करेंगे। बहुत खूबसूरत कैंपस है, उसकी बिल्डिंग्स होगी, उसके ग्राउंड्स हो गए, उसमें काफ़ी कुछ देखने वाला है। दूसरा कि जिस तरह एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, अपनी डेथ से पहले पहले जो जहाँ रहते थे वो पालो आल्टो में रहते थे, उनकी डेथ भी पालो आल्टो सिटी में हुई थी। और यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है काफ़ी पॉश एरिया। क्यों? यहाँ पर आपके जितने टेक जायंट्स हैं उनके एग्जेक्टिव्स जो हैं वो उनकी रेजिडेंसीज हैं। उसके अलावा जब आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तो स्टैनफोर्ड का जो स्टाफ हो गया, वहाँ जो रिसर्चर्स आते हैं पूरी दुनिया से, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए भी काफ़ी एरिया सिक्योर है, काफ़ी खूबसूरत है। जब अभी हमने थोड़ी देर तक अभी जाना है अपने एप्पल स्टोर, तो वो जो स्ट्रीट है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी एवेन्यू। जब एप्पल ऑनलाइन स्टोर से आप कुछ भी खरीदेंगे तो चार स्टेजेस हैं। पहला होगा ऑर्डर इन प्रोग्रेस, सेकंड वन होता है शिप्ड, थर्ड इज रेडी फॉर पिकअप और फोर्थ हैज पिक्ड अप। जब आप थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि रेडी फॉर पिकअप, तो आपको क्यूआर कोड ईमेल में भी आ जाएगा और जो सी आपके आईफोन के अंदर ऐप है एप्पल स्टोर की उसके अंदर भी क्यूआर कोड आ जाता है। जो सा भी स्टोर आपने सेलेक्ट किया होगा अपनी प्रोडक्ट की पिकअप के लिए, आप जो स्टोर पहुंचेंगे वहां पर एक टेबल होगा जिस पर लिखा होगा ऑर्डर पिकअप। वहां पर एप्पल स्टाफ आप देखेंगे कि जो आपसे पहले जो कस्टमर्स आए हुए हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो मैं अब सिर्फ वेट कर रहा था कि जब मेरी बारी आती है तो मैं भी अपना ऑर्डर पिक कर सकूँ। फिर आती मेरी बारी, उसने कहा क्या हाल चाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा ऑर्डर पिक करने आए। मैंने कहा ऑर्डर पिक करने आए। उसने कहा ईमेल पर क्यूआर है। मैंने कहा यस। मैंने क्यूआर दिखाया, क्यूआर को उसने स्कैन किया, उसको प्रोडक्ट नज़र आया। उसने कहा कि आपके पास कोई आईडी है जिससे मैं आपकी आईडी कन्फर्म कर सकूँ कि आप ही जो हैं पिक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास है। मैंने आई अपना गोप्रो नीचे रखा, मैं अपना वॉलेट निकाल रहा हूँ, उसमें आईडी कार्ड निकाल रहा हूँ दिखाने के लिए। फिर मैंने दिखाया उसको अपना आईडी। उसने कहा बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, बड़े हैंडसम है, थम्स अप, शाबाश, तालियां। फिर उसने कहा कि आपके प्रोडक्ट पर कोई इंग्रेविंग हो रही है, कुछ ऊपर मेंशन है या सिंपल प्रोडक्ट ही। मैं कहा इंग्रेविंग लगे। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्ट पर इंग्रेविंग ना होती तो मैं टेबल पर पड़े हुए थे एयरपॉड्स पैक्ड, तो मैं उसमें से आपको दे देता। तो कहता आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे स्टाफ जाके रिट्रीव करके लेके आपको ऑर्डर, तब तक आप अपना स्टोर देख लें हमारा। मैं कहा ठीक है। तो अमेरिकन स्टोर की खासियत जो अच्छी बात मुझे लगती है कि हर चीज़ डिस्प्ले पर होती है ताकि आप उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके कलर्स, उसकी फील आप देख सकें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कि वो असल में किस तरह दिखती है। तो इसी तरह एप्पल वॉचेस के स्ट्रैप्स पड़े हुए हैं, आपकी एप्पल वॉचेस पड़ी हैं, जो नया
वर्जन आया है एप्पल वॉच अल्ट्रा, वो भी डिस्प्ले में था। आपकी एप्पल वॉच सीरीज 8 हो गई, SE हो गई, जो iPads नज़र आ रहे हैं इस पर सारी उसके इंफॉर्मेशन आ रही थी कि किसकी क्या प्राइस है, वेरिएंट्स के हैं। पिछले टेबल्स पर जो हैं आपके सारे iPhone 14 के लाइनअप लगी हुई है, आपके 14, 14 Pro और 14 Pro Max डिफरेंट कलर्स में, ताकि अगर आप कलर्स भी इन पर्सन देखना चाहें कि असल में किस तरह दिखते हैं तो वो भी देख सकते हैं। पीछे जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर आपके एप्पल के सारे केसेस लगे हुए हैं, इसी तरह सारे स्ट्रैप्स पड़े हुए हैं जहाँ से आप जो दूसरे स्ट्रैप्स हैं जो डिस्प्ले टेबल पर लगे हुए, जो यहाँ लगे हुए हैं वहाँ से पिक कर सकते हैं। एप्पल फिटनेस हो गई। इसी तरह बैक पर एक और टेबल है जिस पर आपके सारे आई मैक्स पड़े हुए हैं, आपके आई मैक्स मिनीस पड़े हुए हैं, मैजिक माउस हो गए, ट्रैक पैड्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, कीबोर्ड्स टच आई डीज हो गए, इनका सिनेमा डिस्प्ले पड़ा हुआ है। इसी तरह एक और टेबल है जिस पर आपके मैकबुक्स पड़े हुए हैं, सारे मैकबुक एयर से लेके प्रो से लेके सारे वेरियंट्स पड़े थे, ताकि आप उसकी ठाक उसकी फील, उसका वेट, हर चीज़ देख सकें। फिर जब एप्पल म्यूज़िक में आते हैं तो इसमें एप्पल म्यूज़िक में जो इनके एयरपॉड मैक्स हैं वो डेमो पर लगे हैं, ताकि आप इनको भी यूज़ करना चाहें, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। बैक साइड पर जो उनकी फेमस एक सर्विस लॉन्च हुई थी कि एप्पल आर्केड, वो सारे डेमो पर लगी हुई हैं। स्टील सीरीज़ के कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं उन मोबाइल्स के साथ, आईपैड्स और स्क्रीन से अटैच हैं, ताकि आप किसी गेम को टेस्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन पर, आईपैड पर या स्क्रीन पर, कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस होगा, वो सारा लगा हुआ है। लेकिन ये एक खासियत और भी अच्छी चीज़ लगी कि एक और टेबल है जिस पर सारे इनके एप्पल का स्टाफ बैठा हुआ है, कि आपके डाटा ट्रांसफ़र में आपकी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2017 का मॉडल था मैकबुक का, अब आपने लेटेस्ट लिया है, तो डाटा ट्रांसफ़र में, फ़ोन ट्रांसफ़र डाटा में सारा वो चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। इस वॉल पर एप्पल के अपने एसेसरीज थी और थर्ड पार्टी एसेसरीज थी, जिस तरह आपके चार्जिंग स्टैंड्स हो गए, मॉर्फी के केस हो गए, बेल्किन के केसेस हो गए और बेल्किन की चार्जिंग एसेसरीज हो गई। अब इतनी ही देर में जो था मेरा एयरपॉड्स आ चुके थे, उसने कहा कि ये एयरपॉड्स उस बंदे के हैं जिसका आईडी कार्ड बहुत अच्छा था, उसने कहा कि ये आपको हेल्प कर देगी। मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैं गया, वही आपका स्टैंडर्ड होता है, आपने कहना होता है कि आपका क्या हाल चाल है, वो पूछते हैं आपका क्या हाल चाल है। उसने उसके बाद मेरे एयरपॉड्स को स्कैन किया, और बेसिकली जब स्कैन कर दें तो साथ ही आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाती है। उसने कहा कि आपको पेपर बैग चाहिए, मैंने कहा यस प्लीज़। तो एक जो यूनिक बात मिली ये थी कि जितने भी आप रिटेल ब्रांड्स में जाते हैं, अगर वो टॉप टीयर भी हो या आपके नॉर्मल यूज़ के भी हो, तो वो हमेशा पेपर बैग या किसी बैग के लिए भी चार्ज करते हैं। तो एप्पल वॉज द फर्स्ट स्टोर के जिसने पेपर बैग के लिए चार्ज नहीं किया था, तो हो रहे। तो इस तरह मैंने अपना प्रोडक्ट पिक किया एप्पल स्टोर से, और ये मेरी जर्नी थी एप्पल स्टोर की। अब हमारा सफ़र हो रहा है वापस का, तो उसी तरह हम यूनिवर्सिटी एवेन्यू से होते हुए अपनी गाड़ी तक जाएंगे। क्या हम एक हाथ से अनबॉक्सिंग कर सकते हैं? डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, हम कैलिफोर्निया में हैं। मैंने इंग्रेडिंग कराई थी, कोई नाम भी ये है, चार्जिंग केबल है, और ये एक्स्ट्रा यूटिल्स हैं, टाइप सी टू लाइटनिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपके किसी रिलेटिव या आपके अपने खुद के कोई क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग द इमिग्रेशन प्रोसेस, या कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिन पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में उनको काइंडली मैंशन करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनको एड्रेस करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।